चलिए नमस्कार। आज हम फिर से ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी 11th की, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे, उस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11वीं की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है वो। और हमने तीसरा जो अध्याय था उसका कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी के जो जानकारी के जो जो साधन है वो प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो हमने कवर किया था। उसके बाद आज हम लोग कवर करेंगे भूकंप को, उसके आगे। तो आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उसको देख लीजिए। लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। भूकंप का साधारण सा मतलब है पृथ्वी में जब भी कंपन होता है, जब भी ट्रीमर उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग भूकंप कहते हैं, जिससे पृथ्वी का जो ऊपरी सिरा है वो हिलता है, जो स्थल मंडल है उस पर हम लोग झटका महसूस करते हैं। उस जो घटना को बोलेंगे उसको भूकंप बोलेंगे, ठीक है। और ये जो भूकंप है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के आंतरिक परतों को समझने में काफ़ी मदद करता है। अब ये कैसे मदद करता है, इसको हम अभी आगे फर्दर अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी इसी में देखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। ये जो है भूकंपीय तरंगों का जो है चित्र है, ये क्या है, अभी इसी में हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे आगे, ठीक है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपरपटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैल दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। जिसके फलस्वरूप शैल जो खंड है वो विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा जो तरंगे है वो सभी दिशाओं में फैलेगी, गतिमान होगी। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलता है भूकंप का उद्गम स्रोत कहा जाता है और इसे अपकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहा क्या रहा है आखिर, ठीक है। ये भ्रंश क्या होता है, अभी आपने इसमें देखा कि ये भ्रंश भ्रंश बार बार आ रहा है। ये भ्रंश होता क्या है, देखिए यहाँ पे भ्रंश आ रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, प्राय भ्रंश के किनारों के सहारे ऊर्जा निकलती है। देखिए मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ भ्रंश, एक तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पृथ्वी पे कई प्लेटें हैं, या फिर चट्टाने हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, प्लेटें ही मानिए उसको। तो वो क्या करती है, तनाव बल के कारण जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिंच सकती है, मानिए कि एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, या फिर इस तरह से हो सकती है, एक ऊपर एक नीचे हो सकती है, यहाँ पे एक ऊपर या नीचे इस तरह से हो सकती है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर खिसकती है तनाव बल के कारण, तो उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंश। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फॉल्ट। ये आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए भ्रंश है, आपने यहाँ पे देखा ना, ये भ्रंश है। प्लेटें देखिए, ये जो जमीन जो दो जमीन का टुकड़ा है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहा है। जब ये दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है तरंगों के रूप में होती है, और यही तरंगें चारों दिशा में फैलती है, जिसके कारण झटके महसूस होते हैं हमें। भूकंप का कारण यही है, ठीक है। और भी आपको फॉल्ट कई प्रकार का होता है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो जैसे एक तो विपरीत दिशा में देखिए ये वाली जा रही है, फिर ये वाली है जो एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। कई प्रकार की फॉल्ट होती है। तो फॉल्ट का इसको दिखाने का मकसद बस आपको समझा रहा था कि भ्रंश जो है वो होता क्या है, उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जब शैलें विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है, जहाँ के शैलखंड ऊपर से दबाव डालते हैं या फिर जो भी,
घर्षण क्या होता है, जब तक घर्षण उनके बीच का बरकरार है तब तक क्या होगा कि वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वो खिसकेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही किसी समय पे घर्षण का प्रभाव कम हो जाएगा, शैलखंड जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाएंगे और उससे ऊर्जा निकलेगी, और ये ऊर्जा तरंगे विभिन्न दिशाओं में गतिमान होगी जहाँ से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, हाँ, जिस स्थान से अब है कि जिस स्थान से ऊर्जा निकलेगी उसको बोलते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र, यानी यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, इसको हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, अव केंद्र भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है, फोकस पूछा जाएगा और ईपी सेंटर पूछा जाएगा। तो ये ईपी सेंटर नहीं, ये हाइपो सेंटर है, फोकस को ही हाइपो सेंटर बोलते हैं। और फोकस क्या है, जहाँ से ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, इस तरह से तो वो ये जो होता है पृथ्वी के अंदर होता है, कहीं पे पृथ्वी के अंदर होगा ये स्थान, मानिए फोकस है, तो ये यहाँ पे इसको फोकस लिखेंगे, इस तरह से कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल प्रवाह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अधिक केंद्र कहलाता है, जहाँ पे ये जब फोकस हो गया, अभी धीरे धीरे ये सभी दिशाओं में चलेगी, इस तरह से, इस तरह से। तो वो पॉइंट जो सबसे निकटतम होगा धरातल पे, ये जो देख रहे हैं आप बाहर वाला भाग, ये धरातल है। तो धरातल के जिस केंद्र पे वो सबसे पहले महसूस किया जाएगा उसको बोलेंगे अधिक केंद्र, अंग्रेजी में बोलते हैं ईपी सेंटर, ये वाला ईपी सेंटर। तो आपने समझा फोकस और ईपी सेंटर फर्क क्या है। फोकस है कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसको बोलते हैं, यानी उद्गम केंद्र हो गया। और जहाँ पे पहले धरातल पे जो है जिस स्थान पे पहला झटका महसूस किया जाए उसको बोलेंगे अधिक केंद्र। अधिक केंद्र नॉर्मली क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, जो ये फोकस हो गया उसके 90 डिग्री पे होता है, और वो सबसे निकटतम स्थल होता है, सबसे वहाँ से सबसे न्यूनतम दूरी होगी फोकस से, ये है। तो अधिक केंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिक केंद्र उद्गम के केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है, मैंने आपको बताया ना, सम कोण पे होता है हमेशा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अर्थक्वेक वेव, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होती है, हम सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है, ये पृथ्वी है, ये मानिए पृथ्वी, ये पृथ्वी का एक सेक्शन है, मानिए ये धरातल हो गया, यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह आ गए। ठीक है, इस तरह से इसका जो 200 किलोमीटर का भाग होगा पृथ्वी का, ये भाग, इसको बोलेंगे हम लोग स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, समुद्र वगैरह जहाँ पे है, जो भी पेड़ पहाड़ पौधे इस तरह से चीज़ें हैं। और इसके बाद का जो होता है उसको बोलते हैं ये तो लिथोस्फेयर हो गया ऊपर, और उसको बोलते हैं नीचे एस्थेनोस्फेयर, आगे हम लोग बाद में उसको देखेंगे, अभी स्थल मंडल को हम लोग समझते हैं। तो ये बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इस अध्याय में हम आगे पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल के 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को उगाते हैं, यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग 200 किलोमीटर, मानिए ये अगर जो है तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थल मंडल, लिथोस्फेयर अंग्रेजी में बोला जाता है। भूकंप मापी यंत्र की सतह, भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप ये तरंगों को अभिलेखित करता है, ये हो गया। तो भूकंप अगर आपसे पूछा जाए कि किस पे अभिलेखित किया जाता है, किस पे रीड किया जाता है भूकंप, तो इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, या फिर हिंदी में भूकंप मापी यंत्र। इसी पे भूकंप जो है अंकित होता है और पता चलता है कि कितनी तीव्रता वाले भूकंप थे। तो सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को ये अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का चित्र 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाया गया। अच्छा, वो देखेंगे, फिगर की बात कर रहा है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। ऊपर जो हमने देखा था वो एस पी और एल वेव वाली जो था, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भूकंपीय तरंग को, तो वही बोल रहा है कि बुनियादी तौर पे जो भूकंपीय तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भूगर्भिक तरंगे, जिसको बोलते हैं बॉडी वेव, और दूसरा होता है धरातलीय तरंगे, जिसको बोलते हैं सरफेस वेव। दोनों में अंतर क्या है, ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है हमेशा पृथ्वी के अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर जो होती है उसको बोलेंगे बॉडी वेव, और धरातलीय तरंगे होती है वो सरफेस पे चलती है, धरातल पे चलती है, पृथ्वी के बाहर, इस तरह से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए बुक में तो थोड़ा कम दिया गया है, मैं आपको साधारण सा समझाने के लिए बताऊं कि जो मूल रूप से तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है, जो भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे और एल तरंगे। एस तरंगे हैं ये जो, देखिए एस और पी जो तरंगे हैं उसको बोलते हैं हम लोग
ये भूगर्भिक तरंग, ये पृथ्वी के हमेशा अंदर पाई जाती है, एस और पी, जिसको बोलते हैं बॉडी वेव। तो बॉडी वेव कौन कौन है? एस और पी। एस को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव और पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। वहीं जो होता है सरफेस वेव एक प्रकार की है, उसको बोलते हैं एल, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर भूगर्भिक तरंगे, ठीक है, इसका अलग अलग नाम होता है। तो एल वेव, तो तीन प्रकार की तरंगे होती है, एस वेव, पी वेव और एल वेव। आगे हम लोग देखते हैं, तो एस और पी इसमें बॉडी वेव है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दो हमने देख लिया, भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव और सरफेस वेव। भूगर्भिक तरंगे, सॉरी, जो भूगर्भिक तरंगे हैं ये जो है उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान, उद्गम केंद्र से जो है ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग में सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया ना, जो भूगर्भिक तरंगे हैं बॉडी वेव जो एस और पी थी, वो हमेशा पृथ्वी के अंदर वो संचरण करेगी, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन, अन्योन का अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ा टफ है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिएक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को बोलते हैं अन्योन। तो जब भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के बीच, भूगर्भिक तरंगे जा रही है मानी कि ये तरंग है और यहाँ पे कोई चट्टान है, तो जब इस ये दोनों इंटरेक्ट करेगी, ये दोनों मिलेंगी आपस में, तो उससे फिर से एक तरंग होगी, उसके बाद उसको बोलेंगे हम लोग फिर धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों, धरातलीय चट्टानों के बीच इंटरेक्शन के कारण, अननोन क्रिया के कारण नई तरंग उत्पन्न होती है, जिसको बोला जाता है धरातलीय तरंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे सरफेस वेव, जो अल्टीमेटली ऊपर वो संचरण करेगी धरातल के ऊपर जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है, यानी देखिए आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ऊपर जो इंसान रह रहा है धरातल पे, तो उसके पास कौन सी तरंग पहुँचेगी? उसके पास पहुँचेगी जो सरफेस वेव होती है, धरातलीय तरंग होती है, वही एस और पी उसके पास नहीं पहुँचेगी, यानी बॉडी वेव उसके पास नहीं पहुँचेगी। भूगर्भिक तरंगे, तरंगों का वेग अलग अलग होता है, घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, यानी कि जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा, तरंगों का वेग जो होता है वो बढ़ता है, यानी कि घनत्व बदलने पे तरंगों का वेग जो है बदल जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड में, सब लिक्विड में कम होती है, द्रव में कम, उसके बाद गैस वैस में तो होता नहीं है इस तरह से। तो पदार्थ के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है। परावर्तन वही है कि लौट गई, आवर्तन मिस होती है उसकी दिशा बदल, भटक गई, ठीक है, वो मुड़ जाती है टकराने के बाद किस चीज़ में, ये है। भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया ना, जो बॉडी वेव है भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, इन्हें पी पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़, पी पी वेव और एस वेव, ठीक है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी का मतलब भी है प्राइमरी, प्राइमरी से पी बना है, ठीक है। और ये जो तरंगे होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज तरंग कौन होती है पी और एस में और एल में भी, जो जो मतलब कि सरफेस वेव होगी उसमें भी, तो सबसे तीव्र गति से पी चलती है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, तो ये भी पूछा जाता है कि किसके समान, ध्वनि तरंगों के समान कौन सी तरंग है, तो पी वेव है। ये गैस, तरल एवं ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, मतलब कि कहा जाए कि किसी भी माध्यम से ये जो पी तरंग है वो गुजर सकती है। तो तीनों तरंगों से, तीनों माध्यम से गुजरने वाली एकमात्र तरंग है जो है पी तरंगे। अब देखते हैं एस तरंगे, जो सेकेंडरी वेव है, इसको द्वितीयक तरंग बोलते हैं, यहाँ पे द्वितीयक तरंग, ये धरातल पर कुछ समय के बाद पहुँचती है, ठीक है। जैसे पी वेव सबसे पहले पहुंचेगी क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, उसके बाद ये पहुंचेगी एस वाली। यस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही चलती है, यानी कि ये द्रव और गैस जो माध्यम होगा उसमें ये संचरण नहीं करेगी। तो यस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की। अब जो यस का जो ये गुण है, इसी गुण के कारण भूगर्भ की जो संरचना है उसको हम समझ पाएंगे। अब कैसे इसका अंदाजा लगाया जाता है इसके माध्यम से, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है।
तो पी वेव हो गया, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे सबसे तीव्र तरंगे हैं, तीनों माध्यम में गति करेंगी और सबसे पहले पहुंचेंगी, और चूंकि एस की गति कम है तो उसके बाद ये, पी के बाद ये पहुंचती है। तो इस तरह से जैसे कि ये सिस्मोग्राफ है जो भूकंप मापी है, तो उसमें जो सबसे पहले इस तरह से होगा जो भी दिया हुआ था, ठीक है, तो वो सबसे पहला जो तरंग उस पर अंकित होगा वो पी वेव होगा, उसके बाद फिर होगा एस वेव होगा, इस तरह से। तो ये है, परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन था, परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही लौटना, आपको पता होगा। जबकि आवर्तन से तरंग कई दिशाओं में चलती है, वो इसकी दिशा भटक जाती है आवर्तन से रिफ्लेक्शन से। भूकंप लेखी पर बने आरेखों से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलिखित होती हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि पी वेव सबसे, पी तरंगें सबसे पहले होंगी और उसके बाद एस तरंगें होती है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में होती है वो होती है धरातलीय तरंगें, भूकंप पर सबसे अंत में अभिलिखित होती है। ये तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि धरातल पर तो अल्टीमेटली यही चलेगी, पी वेव धरातल पर पहुँचेगी और ख़त्म हो जाएगी, ऊपर नहीं आ पाएगी। एस वेव का भी वही होता है, लेकिन जो धरातल पे ऊपर आएगा या फिर धरातल पे चलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग धरातलीय तरंगे। और ये अगर पूछा जाए कि तीनों तरंगों में, पी वेव और एस वेव और धरातलीय तरंगों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन होता है, तो ये होता है। हालांकि इसकी स्पीड सबसे कम होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इनसे सैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है, चट्टान टूटते हैं और ऊपर में जो आप देखते हैं कि भूकंप आया तो मकानें गिर गए इस तरह से, तो ये धरातलीय तरंगों के कारण ही होता है। अब है भूकंपीय तरंगों का संचरण, उनका चलना, ठीक है। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये तरंगें संचरित होती है तो सैल में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। जैसे ही मतलब कि जब पृथ्वी में कंपन होगा तो ये तरंगें क्या करेगी, चलना शुरू कर देंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि पी जो तरंग है वो जो चलती है उसकी जो दिशा होती है तरंगों के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। इस तरह से तरंग अगर ये है तो पी भी वैसे चलेगी, पैरेलल होगा, ये दोनों की मतलब कि बीच की दूरी समान होती है। यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालता है, माने कि इस दिशा में चल रहा है कोई सेल आए तो इसी दिशा में ये उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा। इस दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। कोई भी चीज़ को अगर दबाया जाता है तो उसका घनत्व जाहिर सी बात है बदल रहेगा, अगर दबाएंगे तो घनत्व बढ़ता है इस तरह से। तो ये भी जब दबाव डालेगी ये तरंगे तो उससे पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता आती है और सेलों में संकुचन एवं फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है, ठीक है। वो सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, इस तरह से चीज़ें, क्योंकि ये उस पर दबाव डाला जा रहा है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। अन्य तीन नहीं, उनको अन्य दो लिखना चाहिए था यहाँ पे, जो भी है। तो पी भी आपने देखा कि समानांतर चलती है और जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में वो दबाव लगाएगी। बाकी जो तरंगे हैं वो इस तरह से अगर चल रही है तो वो समकोण पे दबाव लगाएगी, इस तरह से ऊपर की तरफ दबाव लगाएगी, ठीक है। मानिए कि यहाँ पे कोई वो है तो इस तरह से, तो पी वेव जो है दिशा में, जिस दिशा में वो चलेगी उसी दिशा में दबाव लगाएगी, बाकी तरंगे ऊपर नीचे दबाव लगाएगी, समकोण में दबाव लगाएगी, ठीक है, समकोण दिशा में। तो यस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार एवं गर्त बनाती है, इस तरह की चीज़ें ये है, इस तरह की चीज़ें। तो इसको बोलेंगे उभार, ये वाले पदार्थ, ये वाले जो पार्ट है उसको बोलेंगे उभार, और जो धसा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे गर्त। तो जिस पदार्थ में वो गुजरेगी यस तरंगे उसमें उभार व गर्त बनाएगी। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, जो हमने पहले देखा है। अब है छाया क्षेत्र का उद्भव, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, छाया क्षेत्र होता क्या है, शैडो जोन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो भूकंप लेखी यंत्र जो सिस्मोग्राफ है उस पर दूर से आने वाली, दूर स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है, उस पर अंकित की जाती है। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं की जाती, और जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं की जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग छाया क्षेत्र। ये जो फिगर है इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले पढ़ देता हूँ। तो अभिलेखित नहीं होती है कोई भी भूकंपीय तरंग, उसको बोलते हैं हम लोग छाया क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, जो जहाँ पे अभिलेखित नहीं हो रही है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंपीय
एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न था। चलिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सीधे पढ़ दूँ तो, क्योंकि ये सबसे गलत तरीका हुआ पढ़ाने का। मैं आपको पहले समझाता हूँ चीज़ें, उसके बाद पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आपको बताता हूँ, मैं इस फिगर पे बताता हूँ। देखिए हमारे पास दो फिगर है, एक तो पी तरंग का छाया क्षेत्र है, आप ये देखिए पी तरंग का छाया क्षेत्र, और दूसरा है यस तरंग का छाया क्षेत्र। आप फिगर में ही देख पा रहे होंगे जो पी तरंग का छाया क्षेत्र है वो थोड़ा कम है, ये जो छाया क्षेत्र हो रहा है वो कम है, जबकि यस का छाया क्षेत्र, यस तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यस का जो तरंग का छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है यस का, वो विस्तृत होता है पी के मुकाबले। अब ये बनता कैसे है मैं ये बताता हूँ आपको। ये देखिए पृथ्वी है, और ये जो तरंगे आप देख रहे हैं उसमें पी तरंगे भी हैं और यस तरंगे भी हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यम से गुजरेगी, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे वो गैस हो, और यस जो तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरेंगी। तो आप देखिएगा कि जब भी कोई तरंग उत्पन्न होती है, मानिए कि ये सेंटर है, जब भी तरंग उत्पन्न हो रही है तो दोनों तरंगे संचरण करेगी। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो यस तरंगे भी है और पी तरंगे भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ यस, भूल जाइए उस चीज़ को। यहाँ पे जो आप मानिए पी तरंग भी है और यस तरंग भी है। जब जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रही है, देखा गया जाता है कि जहाँ से तरंग उत्पन्न हो गई और वो संचरण करना शुरू किया अपने दिशा में, जब 105 डिग्री तक पहुंचेगी वो, ठीक है, तो 105 डिग्री के बाद क्या देखा जाता है कि वो, क्योंकि मुड़ेगी, देखिए पदार्थ में थोड़ी सी भिन्नता आ रही है तो वो मुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे यस तरंगे और पी तरंगे हैं, इसका मतलब क्या है कि यस, मैंने बताया ना कि यस सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलेगी और पी तो किसी में भी चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा माध्यम है ये ठोस है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये तो पक्का ठोस है, क्योंकि यस चल रही है, ये पूरा माध्यम, ये पूरा ठोस है ये। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगी, देखिए ये क्रोड है, यहाँ पे आएगी तो आप देखेंगे कि पी तरंगे मुड़ जाएंगी, पी तरंगे मुड़ जाएंगी और यस तरंगे बिल्कुल गायब हो जाएंगी, ठीक है। यस तरंगे यहाँ पे तो रहेंगे ही नहीं, नीचे जो फिगर में दिखाया जा रहा है, पी तरंगे मुड़ करके ये मुड़ेंगी और फिर से प्रकट होंगी, ये जो क्रोड के बाद, क्रोड में तो चलेंगी, मुड़ करके चलेंगी और जो प्रकट होंगी, और फिर से जो प्रकट होंगी वो 145 डिग्री के पास, यहाँ पे 145 डिग्री के पास। इससे क्या होता है कि 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में पी तरंगे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है, जो अभिलेखित नहीं होते हैं वहाँ पे सिस्मोग्राफ पे। इसलिए 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच के जो का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे पी तरंग का छाया क्षेत्र। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि माध्यम बदल गया। अब देखिए इससे भूगर्भ की संरचना में कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ क्या है। यहाँ पे देखिए कि क्रोड में जैसे ही तरंगों ने प्रवेश किया तो यस तरंगे बिल्कुल गायब हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें पी है और ऊपर इसमें पी और यस दोनों है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस तरंगे नहीं चल रही, इसका मतलब कि यहाँ पे जो माध्यम होगा वो पक्का या तो द्रव होगा या तो कोई और माध्यम होगा, क्योंकि यस तरंगे, अगर माध्यम ठोस होता तो यस तरंगे यहाँ पे भी चलती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पी है। तो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जो पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है, जो क्रोड भाग है, कोर भाग है, उसमें पक्का जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, इस तरह से चीज़, इसीलिए वहाँ पे यस तरंगे विलेखित नहीं की जाती। और पी तरंगे, चूंकि घनत्व में परिवर्तन आ गया, ठोस का घनत्व अलग होता है और द्रव का घनत्व अलग होता है। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वीडियो लंबा हो तो लंबा होने दीजिए, समझने, मेन मकसद समझना है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने यही कहा कि पृथ्वी कि जैसे ही हम ये तो मेंटल वाला भाग हो जाता है, जो भी जैसे ही कोर में प्रवेश करते हैं तो घनत्व में परिवर्तन आता है, ठोस से जैसे ही द्रव में आएंगे घन में परिवर्तन आएगा और पी तरंगे मुड़ जाएगी, क्योंकि पी तरंगे द्रव में भी संचालित हो सकती है, लिक्विड में भी संचालित हो सकती है, ठीक है। तो पक्का ये भाग तो द्रव होगा, इसीलिए यहाँ पे यस तरंगे नहीं आ रही है। तो पी तरंगे चल तो रही है, लेकिन पी तरंगे मुड़ जाती है अपनी दिशा से, और फिर से देखिए ये क्रोड खत्म होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो बीच में क्रोड हो गया, फिर से वही माध्यम आ जाएगा क्रोड के बाद जो यहाँ पे आ रहा था। तो जैसे ही क्रोड खत्म होगा तो फिर से देखिए, फिर से यहाँ पे द्रव है मानिए, और यहाँ पे फिर से ठोस आ गया, तो फिर से ये तरंगे पी जो है फिर से प्रकट हो जाएंगी, और वो क्योंकि मुड़ गई थी तो 145 डिग्री पे फिर से प्रकट होंगी वो। लेकिन चूंकि यस तरंगों ने इनमें प्रवेश नहीं किया था तो वापस यहाँ पे फिर से यस तरंगे यहाँ पे अभिलेखित नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि
105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगे नहीं देखेंगी, इसलिए इसको बोलेंगे पी तरंग का छाया क्षेत्र। वहीं ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसमें यश तरंग कहीं नहीं दिखेगी। तो 105 डिग्री के बाद वाला जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे कि यश तरंगों का छाया क्षेत्र है पूरी तरह से। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को। 105 से 145 डिग्री तक पी तरंग का छाया क्षेत्र, और उसके 105 के बाद से पूरा क्षेत्र जो है उस पर यश तरंग नहीं आएगी, उसको बोलेंगे यश तरंग का छाया क्षेत्र। अब देखिए, इस पर सिंपल आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए पी तरंग का छाया क्षेत्र, और 105 के बाद यश तरंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यश तरंग का छाया क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे तो पी वगैरह आ रहा था ऊपर, तो पी तरंग का छाया क्षेत्र तो यहीं पे होगा 145 तक। और यश जो है, चूंकि इसमें इंटर ही नहीं कर पाएगी यश, क्योंकि माध्यम बदल गया अब, तो अब यश तरंगे यहाँ तक नहीं आएगी। तो यश तरंगे जो है इसको बोलेंगे यश तरंगों का छाया क्षेत्र। 105 डिग्री के बाद ये पूरा क्षेत्र जो होगा ये यश तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो आपने देखा कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र तो यहीं तक है, 105 से 145 डिग्री तक, और यश का पूरा है। तो यश तरंग का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है पी तरंगों के मुकाबले, इस तरह से। और कैसे भूगर्भ की संरचना का अनुमान लगाया जा रहा है कि माध्यम बदल गया, यहाँ से क्रोड़ में पहुँचते हैं तो कोई और माध्यम आ जाता है, यानी कुछ वैसे चट्टानें वहाँ पे पाई जा रही है जिसका माध्यम, जिसका जो घनत्व है वो अलग है ऊपर की चट्टानों से। तो इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न अंदर जाने पे चट्टानों का जो घनत्व है वो बदलता जाता है। ये है मुख्य मकसद, यही है समझाने का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ये होता है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यही है, तो अभिलेखित नहीं होती, उसको बोलते हैं शैडो जोन, छाया क्षेत्र, जहाँ पे भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप का छाया क्षेत्र से हमेशा अलग होता है। जहाँ पे भी भूकंप उत्पन्न होगी तो उसका छाया क्षेत्र बनेगा, माने कि स्थान ए पे भूकंप उत्पन्न हुआ, फिर स्थान कहीं बी पे भूकंप उत्पन्न होगा, इस तरह से। तो वही प्रक्रिया होगी कि वहाँ से 105 डिग्री के बाद वो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, सबका छाया क्षेत्र अलग अलग होता है। चित्र 3.2 में जो हमने देखा, ये चित्र 3.2 में, ठीक है, ए और बी दो चित्र थे, आ और ब। ठीक है, पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी जो सिस्मोग्राफ है, भूकंप अधिकेंद्र से 105, यहाँ डिग्री होना चाहिए था, 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। 105 डिग्री तक मैंने वक्त बताया ना कि कोई भी तरंग रहेगा, ये जो था यहाँ तक जो था 105 डिग्री तक, पी भी है और एस भी है। और भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के परे, 145 डिग्री के बाद, 105 के बाद तो यस खत्म हो जाएगा, और 145 डिग्री के बाद बोला जा रहा है कि पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, सिर्फ पी तरंग ही दर्ज किया जाता है 145 डिग्री के बाद। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है, ये सिर्फ पी तरंगे ही हैं, पी तरंग दर्ज करते हैं, और यस तरंग को अभिलेखित नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो इंटर होगा ही नहीं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहाँ पे कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे पी भी नहीं है, एस भी नहीं है, तो इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो 105 से 145 डिग्री है वो दोनों तरंगों के लिए छाया क्षेत्र, क्योंकि दोनों तरंग यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में यश तरंग नहीं पहुंचती, इसलिए यश तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 100 अगर दोनों तरफ पी और एस वेव का छाया क्षेत्र मिलाकर बताइए कितना है, तो 105 से 145, सिर्फ पी का भी 105 से 145 होगा, और एस का 105 के बाद जितना भी आएगा सब कुछ होगा। ठीक है, तो यही है, भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। यही चीज़ है, घुमा फिरा कर कही जा रही है। यह तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% से भाग से भी अधिक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र अंकित कर सकते हैं। ये चीज़ें कैसे अंकित करना है वो दिया गया है पृष्ठ 28 वगैरह में, बॉक्स में, वो बाद की बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये था भूकंप का छाया क्षेत्र, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार में कई प्रकार के भूकंप होते हैं। टेक्टोनिक भूकंप हो गया, जैसे ये, सॉरी,
ये हो गया विवर्तनिक भूकंप। जैसे हो गया विवर्तनिक भूकंप, क्या होता है कि वही जो भ्रंश, मैं आपको बताया था ना कि भूकंप जो होता है वो भ्रंश के कारण उत्पन्न होता है, तो सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ज़्यादा जो भूकंप, जितने भी भूकंप आते हैं पृथ्वी पे, उसमें ज़्यादातर जो होता है, जो उसका प्रकार होता है, वो टेक्टोनिक भूकंप होता है, विवर्तनिक भूकंप होता है। ठीक है, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होते हैं, जो मैंने आपको बोला बताया था इस तरह से, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, सरकेंगे, तो उससे कंपन होगी पृथ्वी में, भूकंप का उत्पत्ति होता है। और बाकी जो कारण है भूकंप के, ठीक है, कारणों के आधार पर इसका प्रकार है, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो भूकंप उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे हम लोग ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ठीक है, ये भूकंप कहाँ आएंगे, जहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र होंगे वहाँ तक। तो ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं उसको बोलते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप, यानी वोल्केनिक अर्थक्वेक, इस तरह से। फिर होता है एक प्रकार और, इनको बोलते हैं नियात भूकंप, कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, ये होता है जहाँ पे खनन क्षेत्र हो रहा है, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, जैसे कोयले के खान जहाँ पे ढेर सारा पाए जाते हैं और बाकी खान है, तो वहाँ पे उन खानों के, खदानों के क्षेत्र में क्या होता है कभी कभी, कि जो जो वो गड्ढा हो गया, मानिए कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है, ये पृथ्वी है, ये धरातल है, और गड्ढा हो गया ये, तो इसकी जो छत जो है कभी कभी ढह जाती है, क्योंकि खान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये धंसते हैं अचानक, तो उससे भी कभी कभी कंपन महसूस, झटके महसूस किए जाते हैं। तो जब झटका है तो ये एक प्रकार का भूकंप है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नियात भूकंप, कोलैप्स भूकंप। ठीक है, और बाकी है दो प्रकार का, एक होता है एक्सप्लोजन, जो विस्फोट भूकंप होता है। तो विस्फोट भूकंप क्या होता है कि जब भी कभी परमाणु विस्फोट किया जाता है, चाहे वो प्रयोग के लिए किया जा रहा हो, जैसे कि पोखरण में भारत ने जब पहला टेस्ट किया था, तो वहाँ पे जो राजस्थान में आसपास के क्षेत्र थे पोखरण के आसपास में, वहाँ पे झटके महसूस किए गए थे। इसी तरह से जब भी परमाणु टेस्टिंग की जाती है तो वहाँ पे झटके महसूस होते हैं, भूमि में कंपन होती है, तो इस तरह के जो कंपन होते हैं, इस तरह के झटके होते हैं और भूकंप आते हैं, तो उसको बोलते हैं विस्फोट भूकंप, एक्सप्लोजन भूकंप। फिर एक होता है बांध जनित भूकंप, रिजर्वायर इंड्यूस भूकंप। ये होता है कि पृथ्वी पे क्या हो गया कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे मानिए कि कोई बांध बना दिया गया बहुत बड़ा, तो इससे क्या हो रहा है ना कि पृथ्वी का जो संतुलन है वो गड़बड़ हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। तो इस चीज़ को पृथ्वी देखिए अपने आप को संतुलित करती है, अगर उसके धरातल पर कोई असंतुलन उत्पन्न हो तो इस संतुलन को वो, जब असंतुलन को जो वो संतुलित करेगी, इसके कारण जो भूकंप आएगा उसको बोलते हैं हम लोग बांध जनित भूकंप, इस तरह से चीज़ें। यानी बड़े बड़े बांध बनाने के कारण जो भूकंप आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बांध जनित भूकंप। तो भूकंप का हमने यहाँ पे प्रकार देख लिया। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हमने देखे, पहला तो देखा हमने टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक भूकंप, फिर हमने ज्वालामुखी जन्य भूकंप देखा, फिर हमने नियात भूकंप देखा जो ये खदानों वाले क्षेत्र में आते हैं, खनन क्षेत्रों में आते हैं, फिर हमने देखा विस्फोट भूकंप जो परमाणु विस्फोटों के कारण आते हैं, फिर हमने देखा बांध जनित भूकंप जो बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। अब देखते हैं भूकंपों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। तो भूकंप को किस पे मापा जाता है, किस स्केल पे, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल के नाम से। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, भूकंपीय तीव्रता जो होती है उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता जो है 0 से 10 होती है। तो रिएक्टर स्केल का पूछा जाता है कभी कभी कि कितनी संख्या होती है, तो रिएक्टर स्केल अगर ये है तो इस पे 0 से लेकर के 10 तक की संख्या यहाँ पे अंकित होती है। आघात की जो तीव्रता होती है, जो शॉक की तीव्रता होती है, उसको जो होता है उसको इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक थे मार्केली, उनके नाम पे, ठीक है ना, मापा जाता है उनके नाम पे, एक स्केल बना दिया गया है मार्केली का स्केल, उससे शॉक मापते हैं हम लोग, झटका माप, आघात की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी स्केल। तो ये पूछा जा सकता है किस वैज्ञानिक के नाम पे है आघात की तीव्रता, तो मार्केली, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे ये, आगे देखते, के नाम पे जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है, जो भी हानि हुई है झटकों से उसके द्वारा। और इसकी जो गहनता होती है 1 से 12 तक, रिएक्टर स्केल हमने देखा 1 से 10 तक, और ये 1 से 12 तक होता है। भूकंप के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो भूकंप के प्रभाव में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कई प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं इसका। तो चूंकि ये एक प्रकार प्राकृतिक आपदा है, जब भी भूकंप आएगा तो अपने साथ विनाश लाएगा, इसलिए एक प्रकार की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मानव अपने से तो लाता नहीं, हालांकि कुछ चीज़ें छोड़ करके जो विस्फोट वगैरह हो गया वो चीज़ें, तो ये है। तो भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखिए, भूमि का हिलना सबसे पहले, तो
भूमि हिलती है ऐसे। धरातलीय विसंगति, धरातल पे कभी कहीं कहीं गड्ढा बन जाता है, कभी कुछ भी आप देखते हैं ना, वो टूट फूट जो होती है, कहीं पे उभार आ जाएगा इस तरह से, कहीं पे गर्त बन जाएगा, इस तरह की चीज़ें। भूस्खलन या पंखस्खलन, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जहाँ पे ढाल क्षेत्र हैं। जैसे कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आता है भूकंप, तो इसके ऊपर जो चट्टान है पहाड़ों पे, इस तरह की चीज़ें, तो वो अस्खलित होती है, वो धीरे धीरे लुढ़क करके नीचे आती है, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। पंखस्खलन पे कीचड़ जब फ्लो करता है इस तरह से। मृदा दर्पण की घटना होती है, सॉइल लिक्विफिकेशन की, धरातल का एक तरफ झुक जाना, वही चीज़ें। हिमस्खलन, ये बर्फीले क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे जैसे हिमालयन क्षेत्र में हो गया, तो वहाँ पे बर्फ आए जाते हैं, तो उसी तरह से बर्फ के टुकड़े टूट करके नीचे आते हैं। और आप देखते होंगे सियाचिन में काफ़ी हिमस्खलन होता रहता है, जिसके कारण सैनिक थोड़े से खतरे में रहते हैं वहाँ पे हमारे, ठीक, कई बार शहीद भी हो गए उसके कारण से। ये तो फिर धरातलीय विस्थापन होता है, धरातल विस्थापित हो जाती है, जिसे हमने देखा था वो इधर इधर चली गई। बांध व तटबंध टूटने के, टूटने जहाँ जहाँ पे बांध वगैरह क्षेत्र है, वहाँ पे अगर तीव्रता का भूकंप आ गया तो क्या होगा, बांध वगैरह टूट जाते हैं। अब जब बांध टूटते हैं तो जहाँ पे पानी होगा वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, उससे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। आग का लगना, पहाड़ी भागों में जब चट्टान गिरते हैं एक दूसरे पर टकराते हैं, तो वहाँ पे चूंकि चट्टान जब टकराएंगे तो वहाँ पे जो होता है ना चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण सूखे पत्तों में आग लगती है, और उसके ऊपर प्रकार से होता है जंगल में आग फैलती है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, कि यहाँ पे जंगल में आग लगी। कई बार आप देखते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फैलती रहती है, या फिर उत्तराखंड वगैरह में कई बार होता है। इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, ठीक है, वस्तुओं का गिरना, और सुनामी। सुनामी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुनामी से क्वेश्चन आते हैं। सुनामी क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आता है, ठीक है, समुद्र में जब भूकंप आता है, तो जब इसको माने कि अधिकेंद्र समुद्र में है, ये समुद्र है, तो यहाँ पे जो तरंगे उत्पन्न होती है उसके कारण यहाँ पे ज्वार आता है बहुत सारा, और ज्वार क्या करता है, पानी को इस तरह से उठाता है, समझ रहे ना। तो इसके कारण जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं तटीय क्षेत्र, वहाँ पे ऊंची लहरें आती है, जिससे जलमग्न हो जाता है सारा क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम लोग सुनामी। तो सुनामी भूकंप का एक कारण है, भूकंप नहीं है सुनामी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में पहले छह का प्रभाव जो था, हमने जो देखा जो सात आठ जो थे, तो उसमें जो पहला छह प्रभाव है वो ऊपर देख सकते हैं, उसको स्थल पे हम लोग देख सकते हैं, जबकि अन्य जो है को उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र, इसको समझिए, सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र जो होगा, ईपी सेंटर जो होगा, वो समुद्री अधःस्थल पे हो, और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। मैं आपको बता दूं कि 7 से जब अधिक होता है तभी सुनामी आता है रिक्टर स्केल पे, इस तरह से। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये भूकंप का एक प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, भूकंप के कारण ये सुनामी उत्पन्न होता है समुद्र में। ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है, यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ ही सेकंड तक रहती है जो भूकंप आता है उससे, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी समझे जाते हैं। मतलब कि ये मैंने बताया था ना कि ये 0 से 10 होती है, तो अगर 5 से कम है तो वो थोड़ा कम खतरे वाला माना जाता है, लेकिन जैसे ही ये 5 से अधिक हो जाता है तो वो विनाशकारी होता है। जो सामान्य तौर पर जो आपने देखा होगा नेपाल में भूकंप आया था वो 7 के आसपास था, 5 से ऊपर जाता है तो ये खतरे वाला, बहुत ज़्यादा विनाश करता है फिर ये। भूकंप की आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति का मतलब है भूकंप का बार बार आना, किस क्षेत्र में बार बार आते हैं। तो ये क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तीव्र भूकंप के झटकों से जन एवं धन की आप अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। जो भी क्षेत्र जो दो प्लेटों के सीमा पर स्थित हैं, ठीक है, जैसे कि इधर हो गया यूरेशियन प्लेट है, और इधर हो गया इंडियन प्लेट, और बीच में स्थित है आप देखते होंगे नेपाल, ठीक है, हिमालय के आसपास, हिमालय की तराई में, तराई क्या, हिमालय क्षेत्र में ही नेपाल स्थित है। तो चूंकि हिमालय जो है वो दो प्लेटों की सीमा पे है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इसीलिए नेपाल में आपने देखा होगा और खास करके हिमालयी क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेट के बीच में स्थित है, और यहाँ पे चट्टाने खिसकती रहती है, या फिर अपने आप को जब ये दोनों चट्टाने कभी कभी एडजस्ट करती है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, ठीक है, तो आज भी प्लेटें मूव कर रही हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे जो प्लेटों का संक्रमण क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, वहाँ पे जो क्षेत्र पाए जा रहे हैं, वहाँ पे भूकंप बार बार आते हैं ज़्यादा, और तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। वही बोला जा रहा है कि वही क्षेत्र, केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1 या 2 वर्षों में एक बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप के झटके पृथ्वी पर हर मिनट किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं।
तो 8 से ऊपर आएगा तो ये विनाशकारी होगा, भयंकर विनाश मचाएगा ये। तो ये है तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना और जो ज्वालामुखी है उसको, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुँच सके।